सब यूनो फैमिली सत श्री अकाल जय भोलेनाथ पहाड़ी भाई बहन के मैं प्यार भरू नमस्कार। सो टाइम हो रहा है लगभग 8:30 एंड चलिए फिर सुनहरी सुबह के साथ शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग का। एंड सच में सुनहरी सुबह हो रखी है, मैं आपको बताता हूँ यार। ये देखिए मतलब धूप जो है बिल्कुल नहीं आ रही और कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौसम हो गया है। तो ये मौसम बना रहे बस इतना ठंडा रहे और ताकि जो है एसी कम चले एसी कम चले और बिजली का बिल भी कम आए भाई नोएडा में रह के यही होता है बस कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, बिजली के बिल से डर लगता है बिजली के बिल आते हैं ना फिर 15-15, 20-20 हज़ार भाई महीने के हालत ख़राब हो जाती है, बहुत डर लगता है कितना आएगा बिजली का बिल। तो चलिए सुहाने मौसम के साथ सुहानी सुबह के साथ शुरू करते हैं ब्लॉग का। और ये देखिए कल का सामान भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये सीधी हालत बनते हो करता है, ये सब किचन भी ऐसा फैला हुआ है, कूड़ा भी ऐसे पड़ा हुआ है, ये सारा नीचे गंदगी है। सो तब तक मनीषा सो रही है यार, क्योंकि कल रात को हम जैसे आपको पता है अनिल भाई और फैमिली आई थी, काफ़ी मज़ा किया, बैठे रहे, टाइम का पता ही नहीं लगा, लेकिन जब वो गए तो ऐसी नींद आई, ऐसे गिरे हम बिस्तरे में और एकदम बेहोश हो गए तो चलिए फिर सबसे पहले क्या करता समेटता थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता ताकि मनीषा उठते ही ना चक्कर ना आ जाए इतने घर की हालत देख के तो इसलिए थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा सा बर्तन वर्तन ना बढ़े तो सफाई वफाई कर देता हूँ मोटा मोटा। चलिए शुरुआत करते हैं ब्लॉग का, लेके भोलेनाथ का नाम। चलिए एक टास्क तो पूरा हुआ, बहुत टाइम लग गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन भर का काम कर लिया है मैंने, है ना अब कोई काम नहीं करूँगा मेरी ड्यूटी ओवर एंड आउट टू यू। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग देखो फैमिली को जोर से। गुड मॉर्निंग क्या बोले थे तुम सुबह सुबह उठ के? स्टेडियम जाना था। स्टेडियम अच्छा लगता है आपको? स्टेडियम बेटा सुबह सुबह उठ के जाते हैं, अब तो टाइम हो गया 9 बज गए हैं, 9:15 अभी थोड़ी जाते हैं स्टेडियम। गर्मियों के सीजन में अगर आम नहीं खाया तो क्या खाया, आम आ गया। नाश्ता करने का थोड़ा मन नहीं कर रहा था, ऐसे क्या खाएं क्या बनाएं, ब्रेड ब्रेड खाने का मन, तो हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का बाहर से मिठास से मंगा लिया, एक एक ब्रेड पकौड़े पनीर के खा लेंगे हल्का फुल्का, और ही साथ में बना रहा हूँ मैंगो शेक, बढ़िया सा बनाते हैं सर्दी गर्मियों के सीजन में तो किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, इसका शेक बनाते हैं बढ़िया सा एंड ताकि क्योंकि बच्चों को भी पसंद है इसमें बढ़िया सा, बच्चों को सरप्राइज देंगे आइसक्रीम डाल के, वैसे तो इनसे खाया नहीं जाता और थोड़े से बेरीज वगैरह डालूंगा। चलिए मैंगो शेक बनाते हैं लास्ट में ब्रेकफास्ट में। तो मैंगोज तो कट गए हैं अपने दोस्तों और हमें आइसक्रीम लिया था फटाफट, उससे पहले मदर डेरी बंद हो जाए। कौन सी आइसक्रीम डालें मनी, इसमें स्ट्रॉबेरी डालें या मैंगो जी? मैंगो तो नहीं डालते, कब पानी डालो? वनीला वनीला सही रहेगी, स्ट्रॉबेरी वनीला डाल, ठीक है तो चलो फटाफट आइसक्रीम लेके आते हैं।
ये काम चोर काम चोर क्या स्मार्ट वर्क बोलते हैं इसको, स्मार्ट वर्क। अच्छा सो फ्रेंड्स मैंगो शेक तैयार हो गया है, गर्मियों में ठंडा ठंडा आहा मजा आ जाएगा। और उसमें ना आइसक्रीम डाली है, हमने इनको ठंडा दे नहीं रहे कुछ, तो आज इनको थोड़ा सरप्राइज हो जाएगा कि आइसक्रीम मिल गई एकदम से खाने के लिए ठंडा ठंडा। चले बढ़िया सा आइसक्रीम आइसक्रीम डाल के क्या मैं नहीं खा रहा बेटे, खा दूंगा एक बार उसको दिखाओ, उसको दिखाओ ये देखो तो यार प्लीज कितनी मेहनत से बनाया है। अच्छा टेस्ट करो, अच्छा लगेगा देखा। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 6 बजे लगभग, एंड इसने बहुत दुखी किया हुआ है, कह रहा है चलो 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 स्टेडियम चलो पार्क चलो, छोड़ यार क्या जाना आज घर पे रहते हैं संडे को ना, बोर हो रहे घर में बैठे बैठे क्या करें, क्या बोर हो रहे घर में बैठे बैठे क्या करें, पढ़ाई कर लो ऐसा करो। चलो फिर इसको थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ले आता हूँ स्टेडियम या पार्क पे ले जाता हूँ इसको, थोड़ा सा खिला पिला के ले आता हूँ। स्टेडियम चलना है या पार्क चलना है बता दूँ, स्टेडियम स्टेडियम में कुछ है खेलने कूदने के लिए, तुम्हारे पास रख लो अपना पानी की बोतल रख लो मास्क पहन के आपने, ठीक है। तो चलिए गाइस थोड़ा सा स्टेडियम में थोड़ा सा एक्टिविटी करा के ले आता हूँ घर में बैठे बैठे, बॉल से क्या होगा, चलो चलते हैं फिर थोड़ा घुमा के आता हूँ। फ्रेंड्स स्टेडियम में बैठा हुआ और ये दोनों अपना थोड़ा बड़ा खेल रहे हैं, तब तक क्या करता हूँ वीडियो 8 बजे आने वाली है कल वाली व्लॉग की, और उसका थंबनेल बनाया नहीं है तो बैठे बैठे मैं थंबनेल बना लेता हूँ यहाँ पे बिना थंबनेल की वीडियो बेकार लगी। चल देखो देखो कैमरा उल्टा करके दिखाओ, हाँ। कहाँ फेंक दी इतनी दूर, आजा बक्या आजा शबाश मिल्खा भाग मिल्खा, ये कब से हो गया स्टेडियम में इतनी अच्छी लाइटिंग कैसे हो गई, हम सुबह सुबह ही आए हैं ना स्टेडियम में आते हैं, शाम को कभी आते नहीं है देखा ही नहीं है, पता नहीं कब से ये सब अच्छा लग रहा काफी। स्टेडियम में भी छोटी मोटी एक्टिविटी हो चुकी है अब इनकी, थोड़ा सा यह घर में बैठे बैठे हो जाता है बच्चों को, लेकिन चलिए हो गया, अब थोड़ा अंधेरा हो गया 7 बजने वाले हो गए, मनीषा भी आ गई होगी अरु की मम्मी के यहाँ गई भी थी तो चलते हैं, अब वो भी आ गई होगी तो देखते हैं घर में खाने पीने डिनर का क्या चलता है। चलिए चले भाई घर चले गुनो, हाथ में धो चुके हैं फ्रेश हो चुके हैं, मैं भी ना रहता यार बहुत गर्मी स्वेटिंग हो गई, जबकि कुछ करा भी नहीं बैठे बैठे, मतलब बच्चे खेल रहे थे उनको तो ज़्यादा स्वेटिंग हुई, मेरे को बैठे बैठे स्वेटिंग इतनी गर्मी हो गई, बुरा ही हाल है गर्मी से। और बच्चे यहाँ पे तेरा पड़ा नूडल्स, तुम क्या खा रहे हो क्या ये
कुरकुरे मोमोज। कुरकुरे मोमोज है? कुरकुरे मोमोज। अच्छा ये कल के है ना, कल आए मंगाए थे। ये चॉपस्टिक से खा रही है मुझे। साथ में फैंटा, वेरी गुड। बिस्तर तो सही कर लेते। कल एक्चुअली जब आरिन भाई आए थे तो हमने थोड़ा मोटा सामान मंगाया था, नूडल्स वगैरह, कुरकुरे मोमोज का तो दिखाना ही भूल गया वीडियो में। कुरकुरे मोमोज इतने बढ़िया होते हैं, चंदा मोमोज के मंगा के देखिएगा, कुरकुरे मोमोज चिकन वाले, हाय हाय मज़ा ही आ गया। मतलब अरिन भाई ने भी खाया, मज़ा आ गया उनको। तो ये थोड़ा सा बचा है, गर्म करके खा रहे हैं स्नैक्स शाम का। और मनीषा अभी तक आई नहीं है अरु की मम्मी की घर से, तो तब तक ऐसा करता हूँ मैं, तो गर्मी में हालत ख़राब हो रही है, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, मतलब शावर ले लेता हूँ ताकि फ्रेश हो जाऊँ। चलिए, सब मनीषा तो अभी तक आई नहीं है, सो अब फिर हम ब्लॉग का एंडिंग करते हैं खाने का। अच्छा शायद आ गई, शायद आ गई। कौन आया? ये टाइम है घर आने का है, टाइम है घर आने का। क्या करने गए थे? अरे ये क्या है? फ्रिज में लगा ली। क्या लगाया? तेरी मेहंदी थी। वाह बहुत अच्छी लगाई है तो इसने, बड़ी मल्टी बल्टी बड़ी मल्टी टैलेंटेड है हमारी भाभी जी, अरु की मम्मी। इतनी अच्छी महंगी तो यार वो प्रोफेशनल वाले भी नहीं लगाते इतनी अच्छी महंगी को, कितनी बारीक वाली लगाई है। अरे अरु की मम्मी तो कमाल ही है, और कितने राज हैं और कितने हुनर हैं जो हमें देखने रहेंगे हैं। आलू की तिचोड़ी, पहाड़ी डिश है हमारा आलू की तिचोड़ी, वो हमने दिन में बनाई थी तो वही थोड़ा सा खाएंगे, और थोड़ी सी बिरयानी बची कल की तो वो भी खा लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। सो चलिए गाइस व्लॉग का एंड करते हैं, लगभग टाइम हो गया है 8:30 हो गए हैं। चलिए फिर व्लॉग का एंड करते हैं, एंड आई होप आपको व्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को प्लीज 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 दबा दो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव वंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Next vlog. Bye. 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 Bye